वक्त खबर मऊरानीपुर झांसी से आ रहे ग्राम भकोरा पंचोरा में अवैध रूप से बालू को LNT मशीनों से जहाँ पर ट्रैक्टर द्वारा अवैध खनन किया जा रहा, सरकार को लाखों रुपए का राजस्व चूना लगाया जा रहा, अधिकारी को अवगत करवाने पर भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाती। प्रशासन मौके पर पहुंचकर आश्वासन दे देती है परंतु कभी भी मौके पर नहीं पहुंचती है, ना ही कोई कार्रवाई की जाती है। बालू माफिया एक दिन में सैकड़ों ट्रैक्टर बालू सप्लाई कर देते हैं, किसी प्रकार का प्रशासन का कोई खौफ नहीं है। जब यह बात पत्रकारों को पता लगी तो उन्होंने जाकर देखा, नदी में जाकर देखते इस सैकड़ों की संख्या में बालू ले जाते ट्रैक्टर नजर आ रहे थे। आपको ये पूरी तस्वीरें दिखा रहे, आप देख भी सकते हैं कि मऊरानीपुर तहसील में दो ग्रामों में धड़ल्ले से चलाया जा रहा अवैध तरीके से अवैध बालू खनन। ग्राम भकोरा और ग्राम पंचोरा के बीच सुखनई नदी से निकलती, जहाँ पर बता दें कि अंदर बालू का पर्याप्त भंडार था। प्राइम डे की न्यूज चैनल के लिए कैमरामैन संतोष यादव के साथ रामपाल प्रजापति। क्या नाम है आपका? संतोष कुशवाहा, भकोरा। किस गांव से है आप? भकोरा, भकोरा। प्रधान है आप? हाँ प्रधान, वर्तमान प्रधान है। हाँ। क्या शिकायत है आपकी? शिकायत सब यही है कि जो बालू जो अवैध उठाई जा रही, ना ठेका है यहाँ पे ना कुछ भी है। आपने इसकी शिकायत की कभी? शिकायत की थी, SDM लेखपाल साहब को भी बुलवाया था। लेखपाल साहब मौजूद में आए थे? मौजूद में आए थे। क्या कह के गए? वो कह गए मना कर देंगे। मना कर देंगे? हाँ। इसके अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं किया? नहीं नहीं। ट्रैक्टर लोगों को भगाया था यहाँ से? नहीं। मशीन पाई गई थी उनके सामने? मशीन चल रही थी आगे। क्या नाम है भैया जी? मेरा नाम महेंद्र कुमार पांचाल है, ग्राम पचौरा का निवासी हूँ मैं। क्या समस्या है यहाँ पर? मुझे सबसे बड़ी ये समस्या है कि मेरे गांव का सबसे बड़ा जो धन है, जो यानी कि मेरे हमारे गांव की जो संपत्ति है यानी बालू के रूप में, इसका अवैध रूप से खनन किया जा रहा है। जहाँ का यानी कि हमारे यहाँ के जो ठेकेदार हैं उसकी कोई नियम का पालन भी नहीं है, ना कोई कानून के दायरे में रह के इनका पालन किया जा रहा है, और गांव से निकाला जा रहा है ट्रैक्टरों के रूप में बालू भर भर के, तो न दिन में ना रात में कोई इनका समय भी निर्धारित नहीं है। और हमारे जो बच्चे हैं छोटे छोटे, ना तो इनको ध्यान दिया जा रहा है कि इसका CC भी टूट रही है, कहीं पे नाली भी खराब हो रही है, इसका कोई ना तो ठेकेदार ध्यान दे रहा है। किस चीज से उठाई जा रही बालू? बालू LNT मशीन से उठाई जा रही है, ना कि मजदूरों से उठवाई जाए तो हमारे गांव के लोगों को रोजगार मिलेगा, तो कम से कम दो चार लोगों का पेट तो पलेगा। प्रशासन को अवगत कराया आपने इसके बारे में? जी, इसके पहले हम लोगों ने आवाज उठाई लेकिन हम लोगों की आवाज दबा दी गई। क्यों भाइयों? क्या नाम है आपका? हरेंद्र कुमार। किस गांव से हैं आप? ग्राम पचौरा। क्या करते हैं आप? ग्राम प्रधान है, ग्राम पचौरा के। हाँ, यहाँ बालू पे यहाँ के काफी लोग हैं जो आपके गांव के ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, यहाँ पर अवैध खनन हो रहा है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये नाजायज है, वाटर लेवल कम हो रहा है, लोगों को समस्या हो रही है, गांव से निकलते हैं ट्रैक्टर बच्चों का डर लगता कहीं नीचे नहीं आ जाए, गड्ढे भी बहुत गहराई से गड्ढे हो गए, वाटर लेवल है, CC भी टूट रही, नाजायज हो रहा है खनन। बस इसकी शिकायत वगैरह की आपने? कल बुलवाया था लेखपाल सर को, तो वो मुआना करके चले गए, उनने कुछ कहा भी नहीं। ट्रैक्टर यहाँ पर अवैध खनन नहीं रुकेगा फिर क्या करेंगे आप? धरना पे होंगे सब लोग, यहाँ पे ट्रैक्टर बंद कर SDM के पास जाएंगे, तहसील जाएंगे, उससे आगे भी आवाज उठाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये, हमारे गांव की संपत्ति हम लोगों को भी एक कंकड़ नहीं देते हैं। गांव के लिए भी रॉयल्टी है 500 रुपए की है, पर गांव की संपत्ति इसको भी तो फ्री होना चाहिए, गांव के लिए इसके लिए 500 रुपए रॉयल्टी ले रहे हैं वो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राहुल अहरवाल। किस गांव से है? मैं ग्राम पचौरा से रहने वाला हूँ। क्या समस्या है यहाँ पर? यहाँ पर सर बहुत ही समस्या हो रही है, जे पुरखों की हमारी नदी है, संपत्ति है, इसको खनन के द्वारा पूरा उठाया जा रहा है। कल के दिन अगर ये पूरी ख़त्म हो गई और पानी नहीं बरसा, वैसे ही पानी की कमी हो रही है, तो कल के दिन अगर हम लोग यहाँ घर बनाएंगे तो हमों को मजबूरी बालू नहीं मिलेगी, बालू नहीं मिलेगी, पीने के पानी लेवल हो रहा है बिल्कुल कम। और अंदाजा है इसमें कितना गहरा उठाई जा रही बालू, कितनी गहरी से नीचे से उठाई जा रही बालू? 30 से 35 फुट यहाँ पर बालू उठ रही है, और गहराई, और यहाँ पर ना SDM साहब यहाँ देख रहे हैं कि कितना उनका पट्टा है, कितना क्या है, कुछ नहीं देख रहे हैं, कोई भी अधिकारी नहीं। हाँ, नहीं नहीं कोई नहीं आता है। और यहाँ पर मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनका एक बार चेक करें पूरा कितना कितना है, जायजा लें। निवेदन मेरा उनसे माननीय SDM साहब से कि यहाँ का पट्टा कहाँ कहाँ पर पट्टा। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें,
सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।